खरगोन के पीडब्ल्यूडी के मैदान में स्थित वॉलीबॉल के ग्राउंड में जिला खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय तथा तहसीलदार डॉक्टर इंजीनियर की टीम ने मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन किया, जिसमें गोकुल एवेन्यू तथा केंद्रीय विद्यालय खरगोन के शिक्षकों की टीम ने हिस्सा लिया। वह मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन सुबह 7:30 बजे किया गया। तहसीलदार श्री मोरे खिलाड़ी के रूप में मौजूद रहे। सब इंजीनियर श्री सोलंकी तथा लोकेश चौहान की गरिमामय उपस्थिति रही। केंद्रीय विद्यालय खरगोन के शिक्षकों के दल का नेतृत्व श्री पवन कुमार जी पाटीदार, सुरेश कुमार देवांगन, शायर सिंह राठौर, राजेंद्र प्रसाद आर्य, श्री ललित सोनी जी, आनंद धनारे ने किया। गोकुल एवेन्यू की टीम से श्री ऋषि, श्री जितेंद्र पाटीदार, श्री विकास पाटीदार, कुणाल पाटीदार, कपिल पाटीदार, पृथ्वीराज इत्यादि मौजूद रहे। मैच बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में खेला गया तथा संयोजक श्री जितेंद्र हिरवे ने सभी का आभार माना। सर, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मैच हुआ। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय तहसीलदार साहब, मौर्य साहब का, श्री सोलंकी जी, सब इंजीनियर, श्री चौहान साहब का, और जिला खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के श्री जितेंद्र हिरवे जी ने हमें आमंत्रित किया था, और केंद्रीय विद्यालय खरगोन के शिक्षकों की टीम। नॉर्मली शिक्षकों का काम पढ़ाना होता है, परंतु वो खेल के प्रति भी बहुत जागरूक हैं और खरगोन के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब इस उम्र में हम इतने तत्परता से खेल सकते हैं तो क्यों ना युवा वर्ग जो मोबाइल से जुड़ा हुआ है आज के डेट में, वो सुबह घर से उठे, शाम को घर के बाहर निकले और इस प्रकार के खेल करें। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन का हमें हिस्सा बनने का मौका दिया। डिजियाना न्यूज निवाड़ रिपोर्ट, खरगोन। हमारे की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।